देखें, अब आपने इसको मसलना है। जितना तो मसाला मिलता है वो और हमने इसको तार को ठंडा कर लेते हैं। अब ये रेडी है, देखो रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, मैं वेलकम करती हूँ आपका किचन विद आसिया में। तो आज जो रेसिपी मैं लेकर आई हूँ वो सबकी बहुत फेवरेट रेसिपी है, स्पेशली किड्स को बहुत पसंद आती है। आज मैं बना रही हूँ चिकन टिक्का पिज्ज़ा। तो चिकन टिक्का पिज्ज़ा बनाने के लिए सबसे पहले हम डो रेडी करेंगे। तो डो बनाने के लिए मैं जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो ये है। मैंने यहाँ पर 2 कप मैदा लिया है, 1 टेबल स्पून इसमें जाएगी ईस्ट, 2 टेबल स्पून इसमें जाएगा मिल्क पाउडर, 1 टेबल स्पून इसमें जाएगी चीनी, 1 टीस्पून इसमें जाएगी नमक और 2 टेबल स्पून इसमें जाएगा ऑयल डाल लें, बटर डाल लें, और 1 कप मैंने वार्म वाटर लिया है यानी कि नीम गर्म। तो सबसे पहले मैं ये सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करूँगी। इंस्टेंट ईस्ट है ये, चीनी, सॉल्ट, इनको पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद ये ऑयल, मैंने सारी चीज़ों को मिक्स कर लिया है। अब मैं थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर नीम गर्म पानी डालती जाऊंगी। अच्छा ये देखें, अब ये इस शक्ल में आ गया है। अब आपने क्या करना है, बॉल का काम ख़त्म हो गया है, आपने इसको काउंटर टॉप पर रखना है और इसको अच्छे से मसलना है कि ये जो हाथों पे चिपक रहा है ये बंद हो जाए। ये देखें, अब आपने इसको मसलना है, ये देखें, ताकि ये जो हाथों पे जो अभी चिपक रहा है ये बिल्कुल बंद हो जाएगा। देखिए मैंने अब इसको अभी, ये देखिए अभी भी ये हाथों के साथ स्टिक कर रहा है, लेकिन जो जितना पहले कर रहा था उतना नहीं कर रहा है। ठीक है, अभी भी हम इसको और ज़्यादा करेंगे ताकि, और इसको यूँ ये पकड़ा और ऐसे, क्योंकि इसमें खमीर डला हुआ है तो वो अपनी जब जगह सेट करेगा तो फिर ही हमारी जो डो है वो सही बनेगी। इसको देखें व्यूअर्स, मैंने इसको इतना अच्छे से जो है वो बेल लिया है, मसल लिया है कि ये बिल्कुल हाथों से जो है वो चिपकना बंद हो गया है। ठीक है, ये देखें, अब मैं इसका एक पेड़ा बना लूँगी। ये देखें बिल्कुल हाथों से स्टिक नहीं कर रहा। अब मैं इसको 2 घंटे के लिए ढाम कर रख दूँगी इधर ही काउंटर टॉप पे, उसके बाद मैं इसका पिज़्ज़ा रेडी करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जब तक मेरी जो डो है वो राइज हो रही है तो तब तक मैं टिक्का बोटी का मसाला रेडी कर लेती हूँ। चिकन की क्वांटिटी मैं आपको नहीं बता रही, जितना आपका मन हो आप उतनी ही क्वांटिटी ले सकते हैं। ड्राई स्पाइसेस में मैंने यहाँ पे लिया है 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम सॉल्ट है, क्योंकि मैंने चीज़ भी डालनी है उसमें भी सॉल्ट होता है और डो में भी डाला है, तो नमक आपने हसबे ज़रूरत लेना है। इसके अलावा 1 टीस्पून जाएगा इसमें तंदूरी मसाला, तंदूरी जो टिक्का मसाला मिलता है वो, और 1/4 टीस्पून के करीब मैंने डाली है इसमें काली मिर्च, 1/4 टीस्पून इसमें जाएगी सूखा धनिया और जीरे का जो क्रश करके भून के क्रश करते हैं वो, और 1/2 टीस्पून इसमें जाएगा लाल मिर्च। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसमें ठीक है, इसके अलावा ये 1 टेबल स्पून जाएगा इसमें गार्लिक का पेस्ट है, मैंने पानी डाल के बनाया है इसलिए इस तरह लग रहा है, ये देखिए। इसके अलावा जाएगा इसमें 1 से थोड़ा सा कम, टेबल स्पून से थोड़ा सा कम यानी कि 1 टीस्पून इसमें मैं डालूंगी विनीगर, और 1 टीस्पून ही इसमें जाएगा लेमन जूस। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपने इसको रखना है थोड़ी देर तो मैं, आप इसके अंदर 1 टीस्पून के करीब घी या ऑयल जो आप यूज़ करते हैं वो डाल सकते हैं। मैंने इसको रखना नहीं, मैं इसको फौरी फ्राई करूँगी तो मैं फ्राई पैन में सिंपल घी डाल लूँगी। तो ये देखिए अच्छे से ये मिक्स हो, तो यहाँ पे घी जो है वो मेरा अच्छे से गर्म हो गया है। अब मैं
जी, तो ये देखें बिल्कुल जो मैंने डाले थे मसाले वगैरह वो बिल्कुल ड्राई हो गए हैं, तो इसका मतलब ये डन है। अब मैं इसको उतार के ठंडा कर लेती हूँ। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तो देखिए यहाँ पे 2 घंटे हो चुके हैं और माशाल्लाह मेरी जो डो है वो अच्छे से देखिए राइज हो गई है। तब हम इसको पंच करेंगे। अब आपका जितना सांचे है आपने उतना उस हिसाब से पेड़ा लेना है। मेरे पास ये है, ठीक है, यानी कि मीडियम। तो देखिए मैंने इतना ले लिया है। अच्छा, अब आपने जो आपका पैन है आपने पहले इसको ग्रीस कर लेना है। तो मैं ये अच्छे से इसको ग्रीस करूँगी ताकि जब हम पिज़्ज़ा निकाल लें तो इजीली निकल आए। ठीक हो गया, साइडों पे भी मिड से भी। ये ले। अच्छा, अब क्या है कि मैं जो हूँ वो पिज़्ज़ा बना रही हूँ पतीले में, ठीक है। तो पतीले में पिज़्ज़ा बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि मैं 10 मिनट के लिए अपनी जो डो है उसको पहले पका लूँगी, ठीक है, हल्का सा। उसके बाद मैं पिज़्ज़ा रेडी करूँगी। अगर आप लोग ओवन में बना रहे हैं तो फिर आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है। तब ये देखिए मैंने अपनी डो रख दी है। अच्छा, तो ये देखिए मैंने इसके किनारे जो है वो अच्छे से प्रेस कर ली है। देखिए ऐसे सही हो गया। अब हम इसको फॉक करेंगे। और किनारों से ना ऐसे, ये देखिए मैंने जाली का स्टैंड रखा है, कोई मैंने नमक नहीं बिछाया। अब ये काम आपने बहुत ध्यान से करना है। रहमान रहीम। अच्छा, अब बारी है टॉपिंग की। टॉपिंग के लिए मैंने पिज़्ज़ा सॉस ली। इसकी रेसिपी मैंने आपको बता दी है, मैं ऊपर आई बटन पे मेंशन कर दूंगी, आप वहाँ से जाके पिज़्ज़ा सॉस की रेसिपी देख सकते हैं। इसके अलावा मैंने यहाँ पे कुछ प्याज काट लिए क्योंकि चिकन टिक्का पिज़्ज़ा है, आप जो मर्जी इसमें डाल सकते हैं। टमाटर काट लिए, शिमला मिर्च काट ली, मोजरेला चीज़, चेडर चीज़, और ये तो ज़रूर आप डालिएगा चिली फ्लेक्स। इसके बगैर तो पिज़्ज़ा मैं कहती हूँ इनकम्प्लीट है। इसके अलावा जाएंगे ब्लैक ऑलिव्स, ऑरिगेनो, और ये जो मैंने आपके सामने चिकन को रेडी किया है। अब चलते हैं टॉपिंग की तरफ। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तो ये देखिए मेरा जो पिज़्ज़े की डो है वो मैंने पका ली है। अच्छा, अब आप लोगों को पता कैसे चलेगा कि बस कितनी पकानी है। आपने फोक लिया, यूँ किया, कुछ भी नहीं आया, तो इट्स मीन कि आपकी जो डो है वो रेडी है। अच्छा, टॉपिंग मैंने आपको पहले शो करवा दी थी। तो सबसे पहले लगेगा पिज़्ज़ा सॉस, अच्छा ये मैंने सारी स्प्रेड कर ली है। मैं जो हूँ मैं बिल्कुल अभी चीज़ लवर, तो मैं जो है नीचे भी चीज़ लगाऊंगी और उसके ऊपर भी लगाऊंगी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। चेडर चीज़ एंड मोजरेला चीज़। ठीक हो गया। थोड़ी सी चेडर चीज़ जाएगी। मैंने आपके सामने टिक्का बोटी जो है वो रेडी की थी, वो लगाऊंगी। इसके बाद वेजिटेबल्स, ठीक हो गया। बिस्मिल्लाह। चीज़ आपने ज़्यादा सारी डाल ली। इसके बाद मोज़रेला, ठीक हो गया। ये देखिए। अच्छा, इसके बाद चिली फ्लेक्स। चिली फ्लेक्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स, क्योंकि चिली फ्लेक्स का टेस्ट बहुत इनहेंस होता है। आपने ये नहीं स्किप करना। कोई इशू नहीं है, आपके पास नहीं है ओवन वगैरह, पतीले में इतना अच्छा बेक हो जाता है, ज़रूरत ही नहीं पड़ती कि आप इसको ओवन में करें। चलें जी,
अब ये रेडी है बेक होने के लिए। अब मैं इसको आपको रखते हुए दिखाती हूँ। ठीक है, अब आपने इसको कवर कर देना है, और कवर करके लो टू मीडियम फ्लेम पे, मीडियम टू लो फ्लेम पे आपने इसको पकाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब मैं आपको अपना पिज्ज़ा दिखाने जा रही हूँ। 1 2 3 हियर वी गो। देखिए माशाल्लाह ज़बरदस्त हमारा जो पिज़्ज़ा बन के रेडी हुआ है। अब मैं आपको इसको डिश आउट और इसके स्लाइसिस काट के दिखाती हूँ। अच्छा, तो मैं अब आपके सामने ही इसको निकालूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क्योंकि अब ये बहुत गर्म है तो ये देखिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ठीक हो गया। ओ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब आपको स्लाइसेस करके दिखाते हैं। आपके पास अगर पिज़्ज़ा कटर नहीं है, कोई मसला नहीं, छुरी लें, आराम से इसके स्लाइसेस कट जाते हैं। अच्छा, अब मैंने कैमरे को किया है क्लोज और आप ये देखें। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, मुझे इसका फीडबैक ज़रूर देना है, और मुझे दुआ में ज़रूर याद रखना है। मेरे चैनल किचन विद आसिया को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना है, और इसको रेसिपी को एज इट इज़ ट्राई करके मेरे साथ इसके फीडबैक ज़रूर ट्राई करना है। अल्लाह हाफिज़।